हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में अपन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था प्लांट न्यूट्रेंट के बारे में, प्लांट न्यूट्रेंट क्या होते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था कि कौन कौन से न्यूट्रेंट्स हैं वो प्लांट को ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा अपन ने न्यूट्रेंट्स के दो कैटेगरी पढ़ी थी, एक मैक्रो न्यूट्रेंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स। कौन कौन से मैक्रो में आते हैं, कौन से माइक्रो में आते हैं, इसके अलावा कौन से प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है, कौन से इसेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं, इन सब के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि जो न्यूट्रेंट्स हैं अपने, उनकी डेफिशिएंसी अगर प्लांट्स के अंदर हो जाती है, या उनकी टॉक्सिसिटी, उनकी अधिकता अगर प्लांट्स के अंदर हो जाती है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो न्यूट्रेंट्स हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। सबसे पहले बात करते हैं अपन नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन आपको पता है ये प्राइमरी न्यूट्रेंट है, प्राथमिक पोषक तत्व है। अपन ने देखा था प्राथमिक, सेकेंडरी और इसेंशियल पोषक तत्व, जो प्राइमरी न्यूट्रेंट के अंदर आता है नाइट्रोजन। प्राइमरी न्यूट्रेंट अपन कह सकते हैं इसको। इसके अंदर तीन न्यूट्रेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, NPK। ये तीनों क्या है? प्राथमिक न्यूट्रेंट्स है, प्राइमरी न्यूट्रेंट्स हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे नाइट्रोजन की, जिसको N से डिनोट करते हैं, आप सबको पता है। तो ऑल द एसेंशियल न्यूट्रेंट्स नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज अमाउंट। जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं, अपने कहा था प्लांट को कितने न्यूट्रेंट की रिक्वायर्ड होती है, 17 एसेंशियल न्यूट्रेंट है वो प्लांट के लिए, वो कितने हैं, 17। ये क्राइटेरिया किसने दिया था? आर्नोन एंड स्टाउट के द्वारा ये क्राइटेरिया दिया गया था कि प्लांट्स को है वो 17 न्यूट्रेंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और सबसे लास्ट में पहले 16 थे, 17 जो न्यूट्रेंट्स खोजा गया था वो कौन सा था? निकिल। ये सबके लास्ट में है वो खोजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है प्लांट न्यूट्रेंट के बारे में। चलिए बात करते हैं आगे अपन। जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में अपने को प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायर्ड होती है, ये अपन ने देख लिया। फॉर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये नाइट्रेट या अमोनियम रूप में प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, या तो नाइट्रेट रूप में NO3- या NH4+, अमोनिकल रूप में प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फंक्शन की। जो नाइट्रोजन है इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या काम करता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं, इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइटल प्लांट टिश्यू एंड सेल्स, यानी प्लांट के अंदर जो भी मुख्य टिश्यूज होते हैं, मुख्य ऊतक होते हैं, इसके अलावा जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, प्लांट के जो मुख्य टिश्यू है, सेल है, कोशिका है, उनकी ग्रोथ और उनके विकास के लिए ये प्रमुख होता है, उनमें प्रमुख योगदान होता है इसका। सेकेंड बात करते हैं, हेल्प्स टू होल्ड जेनेटिक कोड इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट के अंदर जो जेनेटिक कोड होते हैं उनको होल्ड करके ये रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिव्स द प्लांट देयर ग्रीन कलर। जो प्लांट होता है उसका जो ग्रीन कलर होता है, हरा कलर होता है, वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन के कारण होता है। जैसे ही नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर होती है, उसका जो ग्रीन कलर है वो कम हो जाता है और प्लांट है वो येल्लो कलर का होने लगता है। तो ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं, मेन कार्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी डेफिशिएंसी अगर प्लांट के अंदर हो जाती है, इसकी अगर कमी प्लांट के अंदर हो जाती है, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे अपन पहचानेंगे कि अपना जो प्लांट है उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, द क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ प्लांट लीव्स इज रिड्यूस, यानी जो प्लांट है उनके अंदर क्लोरोफिल है वो कम हो जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल जिसके कारण जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, यानी जो हरा रंग, ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन की कमी होती है प्लांट के अंदर, उसका हरापन है वो कम हो जाता है, यानी क्लोरोफिल की उसमें कमी हो गई। नेक्स्ट है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, प्रोटीन एंड स्टार्च कंटेंट आर रिड्यूस, यानी जो प्लांट है अपना उसके अंदर एक तो फूल है, फ्लावरिंग, इसके अलावा फ्रूट यानी फल, और प्रोटीन और स्टार्च, इनकी जो मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है, कम रिडक्शन उसमें हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। अगर इसकी अधिकता हो जाती है प्लांट के अंदर, अधिक रूप में अपन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो अपना जो प्लांट होगा उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, इसकी अधिकता से या इसकी टॉक्सिसिटी से, या इसके अपन कह सकते हैं इसकी विषाक्तता से प्लांट में क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, डार्क ग्रीन लीव्स एंड फॉलिएज, इसमें क्या होगा, जैसे ही अपन ज़्यादा अमाउंट में अपना जो प्लांट है उसमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देंगे, नाइट्रोजन उसको डाल देंगे, तो उसमें जो लीव्स है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा ग्रीन हो जाएगी, ज़्यादा डार्क हो जाएगी। इसके अलावा लीव टिप्स में टर्न डाउन,
इसके अलावा जो लीफ होती है उसकी जो टिप्स होती है, जो जैसे ये लीव्स है अपनी प्लांट की लीव्स है, तो ये जो टिप्स है साइड वाली जो लास्ट टिप्स होती है ये क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, टर्न डाउन, नीचे लटकना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है येलोविंग ऑन द अफेक्टेड लीव्स, जो भी अफेक्टेड यानी प्रभावित पत्तियां होगी वो कैसे हो जाएगी, येलोविंग हो जाएगी यानी उनमें पीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्ट टर्निंग येलो, यही बात हो गई, अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया कि पत्तियां हैं वो कैसा कलर आ जाएगा उनमें, येलो कलर आ जाएगा, पीला कलर हो जाएगा। गेटिंग स्पॉट्स, इसके अलावा उनमें धब्बे बनना स्टार्ट हो जाएंगे और जो पत्ती है वो मुरझा जाएगी, मर जाएगी, ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं अगर टॉक्सिटी हो जाती है तो। डेफिशिएंसी के आपको ध्यान रखने हैं, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट के अंदर तो जो क्लोरोफिल है वो कम हो जाता है और जो प्लांट की पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीला पड़ना स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसकी मोबिलिटी के बारे में, तो नाइट्रोजन इज मोबिलिटी न्यूट्रेंट, डेफिशिएंसी अपियर्स ऑन ओल्डर लीव्स फर्स्ट, जैसे ही नाइट्रोजन की कमी होती है सबसे पहले जो डेफिशिएंसी देखी जाती है वो जो पुरानी पत्तियां होती है उनके अंदर देखी जाती है, जो पुरानी पत्तियां होती है उनमें क्लोरोफिल की कमी होगी और वही सबसे पहले येलो कलर की होगी, पीले कलर की होगी। तो ये बात हो गई नाइट्रोजन की, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये नाइट्रोजन डेफिशियंट प्लांट की लीव्स है और ये सफिशियंट जस्ट इसको अपन ने नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाया था, ऑप्टिमम मात्रा में अपन ने नाइट्रोजन दिया तो उसको जो उसकी लीव्स है प्लांट की लीव्स है वो ग्रीन स्टेज में होगी, जबकि अगर अपन ने नाइट्रोजन की कमी प्लांट के अंदर कर दी, नाइट्रोजन कम मात्रा में अपन ने प्रोवाइड करवाया है तो उसकी जो लीव्स है वो येल्लो कलर की हो जाएगी, यानी क्या हो गया इसमें, क्लोरोफिल है वो कम हो गया, क्लोरोफिल की कमी हो गई और क्लोरोफिल की कमी होते ही क्या हुआ इसमें, येल्लोपन है वो स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है जबकि इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो ये येल्लो कलर का होना स्टार्ट हो गया, और सबसे पहले जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखी जाती है जो पुरानी पत्तियां होती है ओल्डर लीव्स होती है उनके अंदर देखी जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे ये इसमें अपन ने नाइट्रोजन नहीं डाला जबकि इसको नाइट्रोजन के साथ में अपन ने ग्रो किया है, इसमें नाइट्रोजन डाला है तो इसकी लीव्स आप देख सकते हो ज़्यादा डार्क ग्रीन आपको दिखाई देगी, जबकि ये है जो येलो कलर की दिखाई देगी, इसके अलावा इसकी ग्रोथ है वो कम होगी, वर्दी है वो कम होगी, धीरे होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस है ये भी प्राइमरी न्यूट्रेंट के अंदर आता है, प्राथमिक पोषक तत्व के अंदर आता है, प्राइमरी में तीन है, पहला अपना हो गया नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस। इसके फंक्शन की बात करते हैं, कार्य की इसकी बात करते हैं कि इसके काम क्या क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो प्रोटीन होती है उसका जो निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज स्टेम स्ट्रेंथ, इसके अलावा जो तना होता है उसकी शक्ति को बढ़ाता है, तने की शक्ति कह सकते हो या उसकी जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, तने की क्षमता को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लावर फॉर्मेशन एंड सीड प्रोडक्शन, इसके अलावा जो फूल बनते हैं पौधे के अंदर उनमें ये ज़्यादा अमाउंट में उनको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, फ्लावर फॉर्मेशन को बढ़ाता है यानी फूल बनने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाता है, इसके अलावा सीड प्रोडक्शन यानी सीड जो भी बनता है प्लांट के अंदर उसको भी ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज रेसिस्टेंस टू प्लांट डिजीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, जो फॉस्फोरस है उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन फंक्शन है वो क्या होता है, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी डेवलप होती है वो फॉस्फोरस के कारण होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी जो अपना प्लांट है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो किससे डेवलप होगी, फॉस्फोरस से डेवलप होगी, और ये आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, सेमेस्टर एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आगे तक काम में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है प्लांट के अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किसके थ्रू बढ़ती है, फॉस्फोरस के कारण, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट रूट डेवलपमेंट, इसके अलावा जो पौधे की जड़ें होती है उनके विकास में भी ये सहायक होता है, पौधे की जड़ों को बनने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी ऑफ लेग्यूम्स, इसके अलावा जो दलहनी फसलें होती है, लेग्यूम फसलें होती है उनके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है, तो ये सारे इसके काम हो गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैसे सिम्टम्स होंगे, डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाती है, कमी अगर इसकी हो जाती है तो प्लांट के अंदर कौन से सिम्टम्स है वो अपने को देखने को मिलेंगे, प्लांट्स आर स्टंटेड यानी प्लांट है वो
ग्रोथ करना धीरे कर देगा, कम कर देगा, उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, वृद्धि उसकी रुक जाती है। एंड ओल्डर लीव्स ऑफ्टन डार्क डल ग्रीन इन कलर, और जो पुरानी पत्तियां होती है वो डार्क डल ग्रीन कलर की हो जाती है, डार्क डल ग्रीन कलर, यानी डल यानी मुरझा जाती है, और ग्रीन कलर की तो होती है लेकिन वो मुरझा जाती है। नेक्स्ट है स्टेम एंड लीफ स्टाल्क में टर्न पर्पल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, पौधे की जो पत्तियां होती है वो, इसके अलावा जो स्टेम होता है वो कैसे कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। नेक्स्ट है प्लांट मेच्योरिटी इज ऑफ्टन डिले, यानी जो प्लांट होता है उसकी जो मेच्योरिटी अवधि होती है वो भी अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, प्लांट जल्दी से मेच्योर नहीं हो पाता है। प्लांट विल बी ड्वार्फ एंड स्टंटेड, ड्वार्फ का मतलब आपको पता है स्टंटेड, ड्वार्फ यानी बोना रह जाता है, छोटा रह जाता है, प्लांट छोटा रह जाता है, उसकी स्टंटेड यानी उसकी जो वर्दी है वो रुक जाती है। तो ये इसके मेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर इसकी टॉक्सिटी हो जाती है, अधिकता इसकी हो जाती है, विषाक्तता इसकी हो जाती है, तो उसके क्या क्या सिम्टम होंगे। एक्सेस फॉस्फोरस कैन इंटरफेयर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है फॉस्फोरस, अगर प्लांट में ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ये कॉपर और जिंक जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने से प्लांट को रोक देता है, प्लांट की उनमें कमी हो जाएगी, ये अपने को ध्यान रखना है। मोबिलिटी की बात करें तो फॉस्फोरस इज हाईली मोबाइल न्यूट्रेंट, मोबाइल न्यूट्रेंट से मतलब है ऐसे न्यूट्रेंट्स जिनको प्लांट है वो जड़ों से एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट का जो हर पार्ट होता है जैसे लीव्स है, इसके अलावा स्टेम है, सारे पार्ट तक वो चला जाता है, तो उसको कहते हैं मोबाइल न्यूट्रेंट्स। कुछ न्यूट्रेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपन बाहर से स्प्रे करके प्लांट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, वो नॉन मोबाइल न्यूट्रेंट्स होते हैं, तो ये जाइलम फ्लोएम के थ्रू है वो प्लांट के हर पार्ट तक चले जाते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी की बात करें तो ये भी सबसे पहले किस में होती है, ओल्डर लीव्स में इनकी डेफिशिएंसी भी किस में देखी जाती है, जो पुरानी पत्तियां होती है उनमें सबसे पहले देखी जाती है। नाइट्रोजन का अपन ने देखा पुरानी पत्तियों के अंदर ही उसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है, और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी भी पुरानी पत्तियों के अंदर देखी जाती है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास देखना आपको भी पसंद नहीं है। अब देखते हैं अपन ने कहा कि इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो लीव्स होती है प्लांट की उनका कलर पर्पल हो जाता है, और ये इसका मेन सिम्टम्स है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो प्लांट की लीव्स है वो पर्पल कलर की हो गई है। इसके अलावा अपन ने कहा था कि जो वर्दी है ग्रोथ है वो रुक जाती है, प्लांट है वो बोना रह जाता है, छोटा रह जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये विथ फॉस्फोरस अपन ने उगाया है, यानी इसमें अपन ने फॉस्फोरस डाला है, इसमें फॉस्फोरस अपन ने नहीं डाला, तो इसकी वर्दी आप देख सकते हो इसकी वर्दी है वो बहुत कम हुई है, इसकी ग्रोथ है वो ज़्यादा हुई है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। मेन जो सिम्टम्स इसका होता है ये होता है पर्पल कलर, यानी लीव्स है वो पर्पल कलर की होना स्टार्ट हो जाती है, ये इसका मेन सिम्टम्स होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लांट की लीव्स है वो पर्पल कलर की हो गई है, इसमें भी आप देख सकते हो बीच में लीव्स है वो पर्पल कलर की हो गई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्लांट की जो लीव्स है वो पर्पल कलर की हो जाती है, तो यही इसके फॉस्फोरस डेफिशिएंसी के मेन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोटेशियम की, और पोटेशियम को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। पोटेशियम है ये भी प्राइमरी न्यूट्रेंट है, प्राथमिक पोषक तत्व है, तीन बार प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये अपना थर्ड प्राथमिक पोषक तत्व है, कॉमनली कंसिडर्ड एज ए क्वालिटी न्यूट्रेंट, और ये आपको ध्यान रखना है इसको क्या कहते हैं, और क्वालिटी न्यूट्रेंट भी इसको कहते हैं क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा एलिमेंट ऐसा है या कौन सा न्यूट्रेंट ऐसा है जिसको क्वालिटी न्यूट्रेंट कहा जाता है, तो वो है पोटेशियम। प्लांट एब्जॉर्ब के इन आयनिक फॉर्म, यानी प्लांट है इसको आयनिक फॉर्म में, पोटेशियम आयनिक फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें, इसके कार्य की अपन बात करें कि इसके काम क्या क्या होते हैं, तो कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो स्टोमेटा होते हैं यानी जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा यानी रंध्र जो होते हैं प्लांट के अंदर, उनके बंद होने और उनके खुलने का जो मेन फंक्शन करता है, मेन काम को जो करता है वो कौन करता है दोस्तों, पोटेशियम करता है, यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने का काम कौन करता है, पोटेशियम करता है, उनका कंट्रोल यही करता है, सबसे मेन इसका फीचर्स होता है, ये मेन काम होता है। इसके अलावा अपन बात करें इंपॉर्टेंट इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस, प्लांट के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक प्रोसेस होती है, उनमें भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटेट प्रोटीन एंड स्टार्च सिंथेसिस इन प्लांट, प्लांट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये भाग लेता है, इसके अलावा स्टार्च का जो संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, उसमें भी ये रोल प्ले करता है। प्लेस ए रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड अदर
साल्ट इन प्लांट टिश्यू एंड सेल्स। इसके अलावा ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस में भी ये इन्वॉल्व होता है। ओस्मो रेगुलेशन यानी आपने सुना होगा परासरण, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई चीज़ जाती है तो उसी को अपन कहते हैं। तो जो पानी है इसके अलावा साल्ट है वो प्लांट के अलग सेल्स या टिश्यू तक जाते हैं तो उसी को अपन ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की, यानी इसकी अगर कमी प्लांट के अंदर हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स अपने को देखने पड़ेंगे। तो इसमें क्लोरोसिस में काज येलोविंग ऑफ लीव्स एंड लीड ऑफ शेडिंग एंड डिफोलिएशन ऑफ द लीव्स। इसमें क्या होता है, क्लोरोसिस है वो हो जाती है। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल की कमी। किसकी कमी होगी, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, यानी जो अपना प्लांट है उसके अंदर अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, क्लोरोसिस कहा जाता है। और ये आपसे डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि क्लोरोसिस क्या होता है। दो चीज़ें आएगी, एक नेक्रोसिस आएगा, आगे देखेंगे अपन नेक्रोसिस के बारे में। क्लोरोसिस के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्लोरोसिस में क्या होता है, जो प्लांट होता है उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। और क्लोरोफिल की कमी होते ही आपको पता है प्लांट का जो हरा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो उसकी कमी होते ही प्लांट का कलर कैसा हो जाएगा, पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा शेडिंग यानी जो उसकी पत्तियां होती है, लीव्स से टू शेडिंग यानी जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाती है, प्लांट की पत्तियां जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ, उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है, एंड लीड टू स्लो ग्रोथ, और धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती है। पुअर डेवलपमेंट रूट्स एंड स्टेम्स। इसके अलावा जो उसका तना होता है पौधे का, इसके और जड़ होती है, उनकी ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे होती है, उनकी वृद्धि भी धीरे धीरे होती है। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो लीफ टिप्स एंड मार्जिनल नेक्रोसिस, ये आ गया नेक्रोसिस। लीफ टिप्स यानी जो अपनी पत्ती है उसके जो साइड वाले पार्ट्स होते हैं, अंतिम पार्ट्स होते हैं, उनको लीफ टिप्स अपन कहते हैं। तो नेक्रोसिस कहा है इसने। तो नेक्रोसिस की बात करें अपन, जो प्लांट के अंदर उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, या जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। प्लांट के अंदर उत्तक या टिश्यू या सेल है उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको नेक्रोसिस कहा जाता है। यानी जो अपना प्लांट है उसकी जो लीव्स है वो सूख जाएगी, उसी को अपन क्या कह देते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। अभी देखते हैं आगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही क्लोरोफिल की कमी हुई क्या हुआ, यानी इसको आप कह सकते हो क्लोरोफिल की कमी होते ही जो प्लांट की लीव्स है वो येलो कलर की होना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आप क्लोरोसिस कह सकते हो। इसके अलावा लीफ टिप जो अंतिम पार्ट है, मैंने कहा जो लास्ट पार्ट है वो कैसा हो गया, इसमें क्या हो गई, नेक्रोसिस का मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया, नेक्रोसिस होती है जो प्लांट की टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे जो प्लांट के टिश्यू हैं, सेल है, उनकी मृत्यु हो गई है, जो लीव्स है वो बिल्कुल सूख गई है आगे से, उसी को अपन कहते हैं नेक्रोसिस। और क्लोरोसिस यानी क्लोरोफिल की कमी हो गई, प्लांट की जो पत्ती है वो हरे रंग से पीले रंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो प्लांट की लीव्स है वो येलो कलर की होना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे भी देख सकते हो। इसके अलावा जो लीव्स है यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है वो डेड हो गए, यानी यहाँ पे नेक्रोसिस है वो प्लांट के अंदर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। और जो कैल्शियम है ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, प्राथमिक अपन ने देख लिया ये कैसा पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट अपन इसको कह सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों हैं वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैल्शियम की। फॉर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, Ca+2 आयन के रूप में अपन जो प्लांट होते हैं इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर हो जाती है, कमी इसकी हो जाती है, तो उसके सिम्टम्स के बारे में अपन बात करते हैं। यंग लीव्स एंड फ्रूट डिस्प्ले कैल्शियम डेफिशिएंसी फर्स्ट, यानी जो पौधे की नई पत्तियां होती है, इसके अलावा जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो सबसे पहले देखी जाती है। इसके अलावा अपन ने नाइट्रोजन फॉस्फोरस के केस में देखा था, उनकी डेफिशिएंसी है वो ओल्डर लीव्स के अंदर पहले देखी जाती है, यानी जो पुरानी पत्तियां थी उनके अंदर उनकी डेफिशिएंसी पहले देखी जाती है। जबकि जो अपने कैल्शियम होता है, अगर इसकी कमी प्लांट के अंदर हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी सबसे पहले नई पत्तियों के अंदर और जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट है ब्लॉसम एंड रोट,
ऑफ टोमेटो इज ए क्लासिक केस ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने वाले हो उनके अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टोमेटो होता है उसमें ब्लॉसम एंड रॉट है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। ये एक न्यूट्रिशनल डिजीज है जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि कैसी ग्रोथ हो जाती है, जो टमाटर होता है अपना टोमेटो होता है उसकी ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है। येलो ब्राउन स्पॉट्स, इसके अलावा जो अपना जो प्लांट है उसकी जो लीव्स है वो कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, फ्रूट है वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन आउटलाइन बन जाती है साइड्स के अंदर, प्लांट के ब्राउन आउटलाइन बन जाती है फ्रूट हुआ, इसके अलावा जो लीव्स है प्लांट की उसमें ब्राउन आउटलाइन यानी भूरे रंग की आउटलाइन बन जाती है। अगर टॉक्सिटी की हो जाती है तो मैग्नीशियम और पोटेशियम है ये प्लांट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं इसकी अधिकता होने के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉसम एंड रॉट, यानी जो प्लांट है वो कैसा हो गया, जो फ्रूट है वो कैसा हो गया, नीचे से ब्राउन कलर का हो गया, डार्क ब्राउन कलर का हो गया, इसकी ग्रोथ है वो कम हो गई, वर्दी इसकी रुक गई, तो यही ब्लॉसम रॉट होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन ने कहा जो प्लांट की टिप्स होती है वो कि ब्राउन कलर की होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट की जो टिप लीव जो लीव्स है उसकी टिप्स है अंतिम पार्ट है वो ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसके मेन सिम्टम होते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम आपको पता है कि ये भी सेकेंडरी न्यूट्रेंट है, Mg+2 आयन के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इसके फंक्शन की अपन बात करें, काम की अपन बात करें, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्लोरोफिल का फॉर्मेशन। क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करना किसका मेन काम होता है, मैग्नीशियम का मेन काम होता है, ध्यान रखना है। क्लोरोफिल है वो इसी के कारण बनता है, सेमेस्टर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में या क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मैग्नीशियम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि जो प्लांट होते हैं उनका जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, कौन से न्यूट्रिएंट के कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है, तो मैग्नीशियम भी आप उसमें कर सकते हो, क्लोरोफिल के कारण जो प्लांट है उसका ग्रीन कलर होता है, तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड एंड सेल प्रोटीन, इसके अलावा जो एमिनो एसिड होते हैं इसके अलावा जो कोशिका की प्रोटीन होती है उसके निर्माण में भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की, इसकी कमी के कारण प्लांट्स में कौन से सिम्टम्स अपने को देखने पड़ेंगे, तो येलोविंग बिटवीन लीव एंड इज समटाइम्स विथ रेडिश ब्राउन टेंट्स, यानी इसमें क्या होता है जो प्लांट होता है उसकी जो वेनिस होती है यानी जो पत्तियां हैं उसके जो मध्य के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, वेनिस मतलब नसें, अपन नसें कह सकते हैं, जो अपनी पत्ती है प्लांट की पत्ती है उसमें जो नसें होती हैं, जैसे अपना हाथ है उसके अंदर आपने नसें देखी होगी छोटी छोटी, तो वैसे ही प्लांट की पत्ती के अंदर भी आपने नसें देखी होगी, तो जो प्लांट की पत्ती की नसें हैं वो कैसी होने लगती है, पीली होने लगती है दोस्तों। इसके अलावा कभी कभी रेडिश ब्राउन है वो होने लगती है, अर्ली लीफ फॉल पत्तियां हैं वो जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर टॉक्सिटी इसकी हो जाती है तो मैग्नीशियम टॉक्सिटी आर रेयर, बहुत ही कम इसकी टॉक्सिटी होती है एंड नॉट जनरली एक्सिबिटेड विजिबली, और कभी देखा नहीं गया है कि जो मैग्नीशियम है इसकी टॉक्सिटी प्लांट के अंदर होती है या कौन से सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही कम इसकी टॉक्सिटी प्लांट के अंदर देखी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, प्लांट की नसें हैं सेल्स है, तो बीच में जो कलर है वो आपको येलो दिखाई दे रहा होगा, तो जो वेनिस पार्ट होता है लीव्स का वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, जैसे इसकी डेफिशिएंसी हुई वेनिस पार्ट कैसा हो गया, यानी प्लांट है उसकी जो पत्ती है उनकी नसें हैं वो येलो कलर की होना स्टार्ट हो जाती है। ये लो मैग्नीशियम वाला है, ये एडिक्वेट अमाउंट में मैग्नीशियम है, तो इसकी जो वेनिस है वो आपको अलग ही दिखाई दे रही होगी, उसमें येलो कलर नहीं दिखता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सल्फर की, और सल्फर है ये भी आपको पता है कि कौन सा न्यूट्रेंट है, ये भी सेकेंडरी न्यूट्रेंट है, इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स, सभी फसलों के लिए ये आवश्यक होता है, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए ये आवश्यक होता है, एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, और ये पौधे की जड़ों के द्वारा किस रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, सल्फेट आयन के रूप में या सल्फेट के रूप में ये एब्जॉर्ब किया जाता है। फंक्शन की अपन बात करें, इसके कार्य की बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम के बाद में ये भी क्या कर सकता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कर सकता है, थोड़ा बहुत रोल इसी का भी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसका होता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन प्लांट के अंदर बनती है उसमें ये
संश्लेषण में सहायक होता है। सिंथेसिस ऑफ ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, जो प्लांट होते हैं अपने उनके अंदर ऑयल्स बनता है, तेल बनता है। इसके अलावा जो तेल वाली सीड्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं उसके एक्टिवेशन में भी ये सहायक होता है। बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी अगर प्लांट के अंदर हो जाती है, कमी इसकी अगर हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। येलोइंग ऑफ द एंटायर लीव्स, जो पूरी पत्ती है लगभग येलो कलर की हो जाती है, इंक्लूडिंग वेनिस, यानी उसकी जो बीच वाली जो नसें होती है, अपन ने कहा वेनिस मतलब नसें, यूजुअली स्टार्टिंग विद द यंगर लीव्स, और ये सबसे पहले जो नई पत्तियां होती है उनके अंदर देखा जाता है। लीव टिप्स में येलो एंड कर्ल डाउनवार्ड, कर्ल डाउनवार्ड से मतलब है नीचे लटकती है, जो पत्तियां होती है नीचे लटक जाती है, मुड़ जाती है, मुड़कर नीचे लटक जाती है, तो ये भी इसका मेन सिम्टम होता है। लीफ की जो टिप्स होती है, टिप्स मतलब जो लीफ है उसके लास्ट वाले जो पार्ट्स होते हैं वो नीचे घूम जाते हैं और लटक जाते हैं, ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा पूरी पत्ती है वो येलो कलर की हो सकती है। अगर टॉक्सिटी हो जाए इसकी तो लीफ साइज विल बी रिड्यूस, पत्ती की जो साइज है वो संरचना स्ट्रक्चर है वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। ओवरऑल ग्रोथ विल बी स्टंटेड, पौधे की वृद्धि है वो रुक जाती है। लीव्स येलोविंग एंड स्क्रोच एज एज, और जो लीव्स हैं वो कैसे कलर की हो जाती है, पीले कलर की हो जाती है, ये इसके मेन टॉक्सिटी के सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सल्फर डेफिशियंस प्लांट है, जबकि ये नॉर्मल प्लांट है और ये सल्फर डेफिशियंस प्लांट है। तो इसमें आप देख सकते हो प्लांट है वो कैसा हो गया, पूरी जो लीव्स है वो कैसी हो गई, येल्लो कलर की हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरी लीव्स है वो कैसी हो गई, येल्लो कलर की हो गई। तो सल्फर की डेफिशियंसी से प्लांट की जो लीव्स होती है, कंप्लीट लीव्स, पूरी लीव्स है वो कैसी हो सकती है, येल्लो कलर की हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो जो कंट्रोल प्लांट है जिसमें अपन ने सल्फर डाला है, जबकि ये सल्फर डेफिशिएंट प्लांट है, तो इसकी जो लीव्स होती है वो नीचे लटकना स्टार्ट हो जाती है, मुरझा जाती है, यानी डाउनवर्ड कर्लिंग उनमें स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी इसका मेन सिम्टम्स है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन के अगर फंक्शन की अपन बात करें तो पार्टिसिपेट इन सेवरल फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, यानी प्लांट जो होता है उसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पौधे की वृद्धि और विकास में, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरीन के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो मेन प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक एंड स्टोमेटा रेगुलेशन। स्टोमेटा का रेगुलेशन इसमें भी होता है, इसका भी रोल होता है, क्लोरीन का भी रोल होता है। क्लोरीन के अलावा अपन ने देखा था जो पोटेशियम होता है वो स्टोमेटा क्लोज और ओपन करने में सहायक होता है, रंध्र को खुलने और बंद होने में। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कौन करता है, क्लोरीन करती है। इंपॉर्टेंट इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ये ऑलरेडी अपन ने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की। आयरन आपको पता है माइक्रो न्यूट्रेंट है, तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। आयरन भी जरूरी होता है प्लांट की वृद्धि के लिए। फॉर्म एब्जॉर्प्शन फेरस एंड फेरिक आयन्स, और प्लांट इसको किस रूप में एब्जॉर्ब करता है, फेरस या फेरिक आयन के रूप में प्लांट है वो इसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर हो जाती है, कमी इसकी हो जाती है, तो देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे। एक्सप्रेस्ड इंटरविनल क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का आपको पता है क्लोरोसिस क्या होती है, क्लोरोफिल की कमी होगी, क्लोरो या आप कह सकते हो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी, और जो प्लांट की लीव्स है वो कैसी हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, यानी क्लोरोफिल के कारण प्लांट है वो हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है, जैसे ही उसकी कमी हुई लीव्स है वो कैसी हो गई, येलो कलर की हो गई। आयरन क्लोरोसिस डेवलप व्हेन सोइल पीएच इज हाई, और जो आयरन है इसकी कमी कब भी हो सकती है, जब अपने जो सोइल है उसका पीएच ज्यादा हो, ज्यादा पीएच की सोइल के अंदर अपन प्लांट उगाते हैं तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो विदाउट आयरन डेफिशिएंसी लीव्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, जबकि जैसे ही उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है जो प्लांट की लीव्स है वो येल्लो कलर की हो जाती है, यानी उसमें क्लोरोसिस हो गया, उसमें क्लोरोफिल की कमी हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द सेकेंड ग्रेटेस्ट क्वांटिटी कंपेयर टू आयरन। आयरन के बाद में जो क्वांटिटी प्लांट को प्राप्त होती है ज्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, तो वो किसकी होती है, मैग्नीज की। एब्जॉर्ब द थ्रू द रूट इन द फॉर्म ऑफ एमएन आयन, मैग्नीज आयन के रूप में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, जड़ों के थ्रू।
अगर फंक्शन की इसकी बात करें तो एक्टिवेट सम एंजाइम सिंथेसिस, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके संश्लेषण में ये सहायक होती है। डेफिशिएंसी की अगर बात करें, इसकी कमी अगर प्लांट में होती है तो इसमें भी क्या हो रहा है, आयरन क्लोरोसिस। जैसे आयरन में क्लोरोसिस हो रही थी, वैसे ही इसमें मैंगनीज की कमी से भी क्लोरोसिस हो सकती है, यानी जो प्लांट की पत्तियां हैं वो पीले रंग की हो जाएगी। इंटरविनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर एंड ओल्डर लीव्स, यानी दोनों प्रकार की जो पुरानी और नई पत्तियां हैं दोनों में क्लोरोसिस हो जाएगी, दोनों है वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, पत्तियां है वो जल्दी गिर जानी जाएगी। लीव शेडिंग यानी पत्तियां है वो गिर जाएगी, जल्दी गिर जाएगी। रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ एंड फेल्यूर टू मैच्योर, जो प्लांट है उसकी वृद्धि रुक जाएगी, इसके अलावा मैच्योर नहीं होगा प्लांट। तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैगनीज डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं सोयाबीन के अंदर। अगर डेफिशिएंसी नहीं है प्लांट के अंदर तो वो बिल्कुल ग्रीन स्टेज में होगा, उसमें क्लोरोसिस नहीं होगी। जैसे ही डेफिशिएंसी होती है वो येलो कलर की लीव्स है वो हो जाती है उसकी। तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। जैसे आयरन की डेफिशिएंसी में सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही मैग्नीज की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी होते हैं, सेम सेम सिम्टम्स इसके पाए जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्लांट की लीव्स है वो येलो कलर की हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिंक की। जिंक है वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जिंक है वो किस फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है, जेड एन आयन के रूप में, जेड एन टू प्लस। फंक्शन की अगर अपन बात करें, इसके कार्य की बात करें, तो हेल्प टू प्लांट प्रोड्यूस क्लोरोफिल इंपोर्टेंट टू फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल बनने में ये हेल्प करता है, यानी क्लोरोफिल बन रहा है उसमें भी ये सहायक होता है। मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है मैग्नीशियम का क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। उसके बाद में अपन ने देखा जिंक है ये भी क्या करता है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रकाश संश्लेषण में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। इसके अलावा एंजाइम्स में भी ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है प्लांट के अंदर, रासायनिक जो प्रतिक्रिया होती है उसमें भी ये रोल प्ले करता है। अगर इसकी कमी प्लांट के अंदर हो जाती है तो उसके सिम्टम्स की अपन बात करते हैं, ग्रोथ सप्रेशन यानी जो पौधे की वृद्धि है वो रुक जाती है, रुकना जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। रिड्यूस इंटरनोड लेंथ यानी जो प्लांट होता है उसकी जो इंटरनोड लेंथ होती है, इंटरनोड से मतलब है जैसे ये अपने प्लांट का स्टेम है, यानी ये अपना प्लांट है उसका ये तना है, स्टेम है। इंटरनोड जहाँ से ये इधर से एक लीव्स के लिए टहनी निकली, इधर टहनी निकली, तो दोनों की जो ग्रोथ है इंटरनोड यानी दोनों को जोड़ने वाला जो ग्रोथ है वो कमजोर हो जाता है, उसकी जो लेंथ है वो घट जाती है, तो उसी को कहा जाता है इंटरनोड। एंड रेस्टिंग, उसकी वृद्धि है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है इंटरमिनल क्लोरोसिस ऑन यंगर लीव्स। इसके अलावा इसमें भी क्लोरोसिस हो रही है, यानी पीला रंग होगा। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी। टॉक्सिसिटी अगर इसकी हो जाती है तो क्या होगा, अकर्स एट लोअर पीएच, पीएच मान है वो कम हो जाता है। ग्रोथ रिडक्शन लीव क्लोरोसिस, ये इसके टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स, जो पौधे की पत्तियां हैं वो येल्लो कलर की होना स्टार्ट हो जाती है, पेल ग्रीन प्लांट्स वाइट पेल येल्लो बैंड्स, यानी जो येल्लो कलर है वो होना स्टार्ट हो जाता है लीव्स के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो लीव्स है वो येल्लो कलर की होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि नॉर्मल प्लांट में ऐसा नहीं होता है। तो ये अपन ने देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, थोड़ा फास्ट अपन ने पढ़ा, लेकिन आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।